हम आप लोग के अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुनाते हैं। एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल, ये मेरी माता है। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता है तुम हिंदू लोगों की। बीरबल को उसका जवाब देने की एक तकरीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्थी खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। तो अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल ये क्या हो गया? तो बीरबल ने कहा, आपने मेरी माँ को मारा इसलिए ये गुस्सा हो गए। तो अकबर जहाँ भी हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा अकबर ने बोला कि बीरबल जल्दी ही कोई उपाय बताओ। तो बीरबल ने बोला, उपाय तो है लेकिन वो भी हमारी माँ है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता दवाई दो। तो अकबर ने गाय के सामने विनती की, हे माता दवाई दो। तो गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर इसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल आप क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है, सामने ही गंगा बह रही थी। अब बोलिए, हर हर गंगे जय गंगा मैया की, और कूद जाइए गंगा में और नहाकर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत माता है, इनको मानने वाले को ही हम हिंदू कहते हैं।